पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। छोटे मोटे जो चीजें हैं जो कि हम क्लास लेते समय चीजें छोड़ दी होगी, हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ मेनू बार से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ आपके पास क्या है, फील्ड हीडर। जैसे आपने अगर जैसे मान लीजिए मैंने नेम और हमने यहाँ पे अगर इसमें क्वांटिटी का टोटल लिया और मान लीजिए मैं यहाँ पे नेम हो गया प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी दिख रहा है आपको, दिस इज द फील्ड हीडर। और हम इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ से सॉरी सम ऑफ क्वांटिटी नहीं, रो लेवल एंड कॉलम लेवल जो होता है वो आपका फील्ड हीडर होता है, तो पिवट टेबल क्वांटिटी हो गया। तो इसको क्लिक करने से ये आपका आएगा और जाएगा। दूसरी चीज मैंने बताया था कि हम कॉलम में वो चीज रखते हैं जो कि छोटा होता है, छोटा लिस्ट है प्रोडक्ट का लिस्ट। अगर जो 10-20 प्रोडक्ट का लिस्ट रख दिया, बड़ा होगा उसको हम क्या रखते हैं, टेबल में रखते हैं। तो टेबल में रखने के साथ ये प्लस माइनस का सिंबल आ जाता है, जिससे आप कोलैप्स और एक्सपेंड कर सकते हैं। आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो आप यहाँ प्लस और माइनस का सिंबल दिख रहा होगा, इसको अनचेक कर दीजिए। अब यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आप क्या, तो क्या मैं कोलैप्स कर सकता हूँ, यहाँ से आप कोलैप्स कर सकते हैं, यहाँ से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसको हटाने से आपका ये फीचर डिसेबल नहीं हुआ, बट यूजर की पहुंच से थोड़ा दूर हो गया। दूसरी चीज मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक कर दे, टेबल टेबल का फिल लिस्ट जो आता है वो ना है, तो इस पर राइट क्लिक कर दीजिए, इस पर कर दीजिए क्लिक, हट जाएगा। या फिर राइट क्लिक करने के बाद भी आप यहाँ पे शो फिल लिस्ट करेंगे तो आएगा, और वापस मैं इसको अनचेक करूंगा तो हट जाएगा, राइट सर। उसके बाद अगला आता है रिकमेंडेड पिवट टेबल, जिसपे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आती है पिवट चार्ट। पिवट चार्ट के बारे में बताया कि आपका चार्ट होता है, जैसे आप चार्ट में लगाते हैं वैसे चार्ट होता है, इसको विजुलाइजेशन भी कहा जाता है। वो हिसाब से आप लगा सकते हैं जो कि आपके पिवट टेबल से कनेक्टेड होता है। पिवट टेबल चेंज होगा तो ये अपने आप को भी चेंज कर लेगा, और चार्ट की एक अलग अपनी डिजाइन होती है, अपना फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे बस लिंक हो जाता है पिवट टेबल से। अच्छा, किसी के बैकग्राउंड से काफी शोर आ रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा म्यूट कर ले। तो यहाँ आपका पिवट चार्ट। उसके बाद आगे हम बढ़े पिवट टेबल एनालिसिस टूल्स में। तो ये आपका रिलेशनशिप है जो कि हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। फिर आइटम सेट में बता चुके हैं। मूव टेबल, मूव टेबल मतलब कि आपने पिवट टेबल लगाया लेकिन यहाँ पे आपने सीट 4 में लगा दिया, लेकिन मुझे इसको लगाना था सीट 2 पे या लगाना था कस्टमर वाले शीट पे, तो वापस वहां जाके पिवट लगाना, बाकी सारे कैलकुलेशन करना तो टाइम लगेगा। उससे अच्छा है कि आप यहाँ मूव टेबल पे जाए और जहां पे टेबल मूव करना है उस जगह का नाम दे एंड ओके कर दे, ये पिवट टेबल आपका वहां पे मूव हो जाएगा। दूसरी चीज सिलेक्शन करना। अब जैसे क्या है कि मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये आपका सिलेक्शन है, ये आपका पूरा सिलेक्शन है। ये आपका देखिए, जब भी आप कर्सर रखेंगे तो ये आपका प्लस वाला कर्सर जो है रखते ही आपका ये बैकग्राउंड का हो जाएगा। अगर ये लेफ्ट टू राइट कर्सर बना मतलब कि कॉलम पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेगा। जैसे कि मान लीजिए इसकी इस कॉलम में मैं अगर सेल्स मोड को रख दिया तो मैं यहाँ पे गया तो पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन इसी में अगर डाउन और ये आपका डाउन का बना, देखा डाउन का बन रहा है, तो ये क्या करेगा कि जितने भी वो उस कैटेगरी नेम है ना, नेम की कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेगा। या फिर अगर यहाँ पे डाउन बन रहा है तो ये देखिए यहाँ पर कैटेगरी क्या था, प्रोडक्ट का। तो हर डेटा हर जितने भी हर नेम के जो प्रोडक्ट कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो सिलेक्शन आता है, तो इसी में अगर एनालाइज में जाते हैं सिलेक्शन में, तो सिलेक्शन में एक यहाँ पे आता है एंटायर पिवट टेबल को सिलेक्ट करना। एंटायर पिवट टेबल जब आप सिलेक्ट कर लेते हो तो उसमें चूज होता है कि सिर्फ आप वैल्यू एंड लेवल को सिलेक्ट करें, या सिर्फ वैल्यू को सिलेक्ट करें, या सिर्फ लेवल को सिलेक्ट करें, ये आपका ये होता है। और ये जो भी आपका जो ब्लैक कलर का आ रहा था टॉप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट, वो इससे आ रहा था क्योंकि अनेबल सिलेक्शन अनेबल है।
अगर इसको डिसेबल क्लिक कर दिया तो डिसेबल हो जाएगा, तो अब आप इस पे वो ब्लैक कलर कर्सर फिर दिखेगा जिस पे क्लिक करने से पूरा रो एंड कॉलम सिलेक्ट होता था, तो यहां से आप इसको कर सकते ठीक। उसके बाद यहां पे क्लियर आता है, आप बहुत सारे फिल्म रखे हुए हैं तो आपको एक एक करके यहां से हटाना पड़ेगा, तो आप एक ही बार यहीं पे आप क्लियर कर दे तो आपका यहीं से रिमूव हो जाएगा ठीक है। उसके बाद यहां पे आता है चेंज डेटा सोर्स, ये मैं भी मैंने आपको कल बताया था। फिर आता है आपका लास्ट क्लास बताया था रिफ्रेश, रिफ्रेश करना, रिफ्रेश की स्टेटस देखना वगैरह वगैरह आप दे सकते हैं। और कनेक्शन प्रॉपर्टीज वगैरह जब आप एक स्टैंडर्ड पेपर टेबल पढ़ाऊंगा उसमें आप इसको देखेंगे। उसके बाद आपके पास आता है स्लाइसर, स्लाइसर आपको नेक्स्ट क्लासेज में पता चलेगी, ये फिलहाल इसको छोड़ दीजिए। ग्रुप पढ़ाई चुका हूँ, ये बाकी चीज आपको पढ़ाई चुका। फिल्ड सेटिंग वगैरह आप यहीं से कर सकते हैं जो कि आप यहां से लाते हैं, इससे क्लिक करके भी आ सकता है। उसके बाद पहला ऑप्शन आपका आता है पिवट टेबल में ऑप्शंस। अब जैसे कि इसमें आपका यहां से सबसे पिवट टेबल का नेम है, ये आपको वीवीएन इस नेम का महत्व पता चलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है लेकिन अभी नहीं वीवीएन। लेकिन यहां पे आते हैं पिवट टेबल में आपका ऑप्शंस, जो राइट क्लिक करके पिवट टेबल का ऑप्शन खोलते हैं वो ऑप्शन यहां से भी आता है, और इसके बारे में मोस्टली हम डिस्कस कर चुके हैं, नहीं कुछ दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। लेकिन इसमें एक आता है आपका जनरेट पिवट टेबल डेटा, उससे पहले आता है शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज। तो शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज को पढ़ाने के लिए मुझे एक थोड़ा सा अलग सीट पे डेटा को रखना होगा, मैंने कॉपी करके अब मैं एक न्यू शीट पे इस डेटा को फिल्टर करता हूं। और मैंने इस पे पिवट टेबल पे बनाया और पिवट टेबल पे हमने एक रिपोर्ट बनाया। तो हमने प्रोडक्ट वाइज, नेम वाइज, क्वांटिटी का टोटल रिपोर्ट बना दिया और हमारा फिल्टर लग रहा है और सेल्स मोड पर लग रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ रहा है कि यहां से हम यहां से चेक करते हैं कि भाई एफिलिएटेड का कितना है, डायरेक्ट सेल कितना हुआ है, हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर ने कितना सेल किया है, ऑनलाइन कितना सेल हुआ है, या किसी रेफरेंस के तहत में कितना सेल हुआ है क्या। लेकिन मुझसे डिमांड कहा गया है कि मुझे इन सब का अलग अलग पिवट टेबल चाहिए, समझे, अलग अलग पिवट टेबल। तो अगर 10 है तो 10 पिवट टेबल, 1000 है तो 1000 पिवट टेबल आपको लगाना है। तो इसके लिए कोई वीवीए प्रोग्रामिंग लिखने की जरूरत नहीं है, बस जिसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट पिवट टेबल लगाना है उसको आप फिल्टर में रख दें, और यहां पिवट टेबल ऑप्शन पे जाएं और यहां दिखेगा शो फिल्टर पर पेज, शो फिल्टर पर पेज। लेकिन तभी एक्टिवेट होगा जब आप फिल्टर में कुछ रखेंगे, अगर फिल्टर से मूड हटा दिया तो आपको यहां पे एनेबल नहीं होगा। ये एनेबल कब होगा, जब आप सेल्स मोड को फिल्टर में रखेंगे, मतलब कि जो भी आपका फिल्टर जिसका अकॉर्डिंग चेंज करना है उसको आप फिल्टर में। फिर यहां पे हम आते हैं शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज पे एंड इसको ओके कर देते। तो क्लिक करते ही आप देख रहे हैं अलग अलग शीट में एक क्लिक पे आ गए, समझ में आ गया आपको ये। यस सर, डाउट इसमें नहीं, नहीं। और इसमें फिल्टर में सर हम मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं क्या, अगर मान लीजिए कि सेल्स की जगह हम स्टेट भी रखना चाहें। नहीं, डबल नहीं। अच्छा, एक वन टाइम मैं स्टेट रख ही देता हूँ, तो बता ही देता हूँ आपको। तो अगर मैं यहाँ पे पेपर टेबल लाइन पे जाऊंगा, मल्टीपल फील्ड रख सकते हैं आप, लेकिन जैसे वो रिपोर्ट फिल्टर पर पेश करेंगे तो आपसे पूछेगा किसके अकॉर्डिंग, आप इसमें से एक ही को सिलेक्ट कर सकते हैं, दो को नहीं सिलेक्ट कर सकते, समझे। ओके ठीक है, ठीक है। यहां पे एक चीज और रखिएगा, ये जस्ट आपका पिवट टेबल को ही अलग करता है, समझे, उस पे बने हुए कुछ और को नहीं।
फॉर्मेटिंग वगैरह है वो तो कर देगा। जैसे मान लीजिए कि आपने चार्ट बना दिया और चाहते हैं कि भाई चार्ट भी हर फिल्टर पे, हर पेज पे अलग हो जाए, ठीक है। उस केस में नहीं होगा, तो सर फिर चार्ट हमें मतलब कि हर सीट पे अलग अलग बनाना पड़ेगा। हाँ सर, ये फीचर नहीं है इसमें। अब बात करते हैं अगले ऑप्शंस का, वो है आपका पिवट टेबल में आपका जनरेट पिवट टेबल डेटा, इसके बारे में जान लीजिए, ये बहुत अच्छी चीज है सर। जैसे आप पिवट लिंक कर दो, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया B5, तो यहाँ पे आपने B5 कर दिया, तो B5 में क्या था 2570 मतलब कि DVD का सेल आ रहा है, तो यहाँ पे आप DVD का सेल नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको शॉर्ट कर दिया, तो शॉर्ट करते ही जैसे शॉर्ट DVD है, मान लो हमने शॉर्ट कर दिया, अब यहाँ पे ETC आ गया, दिक्कत होगी ना। लेकिन अगर आपने क्लिक किया और पिवट टेबल पे मैंने इक्वल करके आपने डायरेक्ट एड्रेस नहीं लिखा, पिवट टेबल पे क्लिक कर दिया, तो क्या होगा? तो यहां पे गेट पिवट का डेटा लग जाएगा। तो गेट पिवट का डेटा सिमिलर टू वीलुकअप होता है जो पिवट टेबल में यूज होता है। इसमें देखिए कि हमें क्या लाना है, तो क्वांटिटी का टोटल लेना है। मतलब पिवट टेबल स्टार्ट कहां से है, तो A4 से स्टार्ट है। प्रोडक्ट किस पे कंडीशन लगाना है, तो प्रोडक्ट में क्या कंडीशन है। अब ETC को चेंज करके अगर मैं यहाँ पे DVD कर दूं, तो रिजल्ट आपका DVD का है। अगर आप किसी सेल्स लिंक से करना चाहते हो, किसी मैंने HDMN कर दिया, इससे लिंक हो, तो आप इसमें मैनुअल यहाँ इन्वर्टर कॉमा में लिखा हुआ है उसके जगह पे आप HD दे सकते हो। जैसे यहाँ पर चेंज होगा, ये अपना रिजल्ट चेंज कर देगा, ठीक है। सर तो ये आप पिवट टेबल में, सॉरी सर, ये इसको इसको क्या हर जगह हमें इसको मैनुअल लिंक करना पड़ेगा? ड्रैग कर सकते हो, ये प्रोडक्ट फिक्स रहेगा, बाकी फिक्स रहेगा। भाई क्या होता है कि जब आप डैशबोर्ड बनाओगे, सो डैशबोर्ड जब बनाओगे आप, तो उस समय आप लिंक करोगे, डैशबोर्ड बनाया और आपने लिंक आपने क्लिक कर दिया कि CD पे, तो अभी CD का रिजल्ट आ रहा है ना, और कल के डेट में पिवट टेबल अपडेट हुआ, रिजल्ट चेंज कर लिया, तो यहाँ पे तो वही गलत रिजल्ट दिखा रहा है ना, जैसे यहाँ दिखा रहा है। इसको शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, तो यहाँ पे देखिए 2570 आ गया, लेकिन हेडिंग तो ETC है ना, तो आपको चेंज करना पड़ेगा ना यहाँ पे, कि यहाँ पे जाके देना नहीं B5 नहीं, अब ETC जो है वो चला गया है B11 पे, तो B11 सेलेक्ट कर, दिक्कत होगा, बट इस फीचर्स में नहीं होगा, समझे? आगे बढ़े सर। तो हमने पिवट टेबल एनालाइज फील्ड में हमने मोस्टली को कवर कर लिया, इसमें जो कवर नहीं हुआ वो स्लाइसर कवर नहीं हुआ, तो स्लाइसर से मैं आपको अगली क्लास में बताया कि बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको इससे पहले एक टॉपिक है उसको करना जरूरी है। उसके बाद हम डिजाइन की बात करें, तो डिजाइन में मैंने मोस्टली चीज कवर कर दी है, तो आपका अब हम बात करते हैं 2007 का लास्ट टॉपिक। तो कीवर्ड 2007 में अगर पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपका एक लास्ट टॉपिक है, वो है एक्सटर्नल पिवट टेबल। तो एक्सटर्नल पिवट टेबल कई कारणों से लगाया जाता है। सबसे पहला कारण समझिए कि मुझे ये जो डेटा आपको दिख रहा है, मुझे इस डेटा के ऊपर पिवट टेबल लगा रहा है,
जाहिर सी बात है मैनुअली तुम लगाते ही है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब इसको हम मैनुअली जो जैसे ट्रेडिशनल है वो लगाते हैं, उसमें दिक्कत क्या होता है कि डेटा हमारा इंक्रीज होता है तो हमें बार बार इंक्रीज करना पड़ता है रेंज को। जैसे कि हमने कल आपको लास्ट क्लास में बजट के अकॉर्डिंग टारगेट वर्किंग बताया था, याद है सिंह जी, सिंह जी? हाँ जी सर, याद है ना? हाँ जी, हाँ जी सर। तो यहां भी प्रॉब्लम होगा। मैं चाहता हूँ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कि पिवट में अपडेट हो तो अपने आप ही अपडेट हो जाए। तो उसके दो रीजन, दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप अपने पिवट टेबल को टेबल अपने डेटा को टेबल फॉर्म में जनरेट करो। अब बोले सर टेबल फॉर्म में जनरेट कैसे होगा? डेटा को सिलेक्ट करो, इंसर्ट टेबल, या फिर होम में फॉर्मेटेड एज ए टेबल। ठीक है, आपका पिवट टेबल बन जाएगा। जब इस पे आप टेबल बनाओगे तो आप यहां देखोगे कि यहां पे सिर्फ डेटा ले रहा है, क्योंकि इस पिवट का नाम है डेटा। पिवट इस टेबल को लगाते समय हमने नाम दिया हुआ है, तो ये रेंज नहीं ले रहा। और जैसे इसमें डेटा इंक्रीज होगा तो टेबल रेंज इंक्रीज कर लेगा। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, कॉपी पेस्ट करते समय टेबल इंक्रीज नहीं होता, मैनुअल इंक्रीज करना पड़ता है। उसका सॉल्यूशन है एक्सटर्नल पिवट टेबल। कैसे लगाएंगे? तो हम सीन फाइव पे जहां पिवट लगा रहे हैं वहां पे कर्सर रखेंगे, पिवट टेबल पे जाएंगे, और यह दूसरा ऑप्शन है यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स। यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, उस पे हम चूज कनेक्शन पे आएंगे। देखिए यहां पे क्या है कि आपकी इससे पहले जो आपने लगाई है उसका लिस्ट है, अगर इसमें से है तो सिलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो ब्राउज फॉर मोर पे जाए, यहां पे अपनी लोकेशन पे जाए जहां पे आपका डेटा सेव है, सेम फाइल, और उस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन करें। उसके बाद आप सिलेक्ट करें अपने उस टेबल का जिस टेबल में डेटा है, जैसे डेटा टेबल है, एंड ओके, और फिर ओके कर आपका पिवट बन गया। आप डेटा में कुछ भी इंक्रीज करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक बार एक रिपोर्ट बनाता हूं, मैंने एक रिपोर्ट बनाया नेम का, नेम बंच क्वांटिटी का, ठीक है। अब मैं इसमें एक राम सिंह नाम का बंदा ऐड करता हूं, तो यह होगा 302 तारीख आज का हो गया, ये आपका ऑनलाइन है, 7 6 नंबर 3 नंबर है, और उसका नाम सिख रहे 7 है, सेवन है, उसका नाम है जयदीप, जयदीप तो है राम से कर राम, और वो बिहार से है, डेटा। अब मैं जस्ट पिवट टेबल में रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश तो करना पड़ेगा कि आपका राम सिंह आ गया। हमें पिवट टेबल में जाके चेंज डेटा सोर्स करने की जरूरत नहीं है। कनेक्शन प्रॉपर्टीज आपको दिखेगा, इसकी जो पिवट टेबल में कनेक्ट किया है उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे आप दे सकते हैं कि मेरा रिफ्रेश एवरी 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट पे हो जाए, या फिर मैं दे सकता हूँ जब मैं ओपन करूँ तो मेरा रिफ्रेश हो जाए, या फिर यार यहाँ डेफिनेशन में जाएंगे तो पिवट टेबल का लोकेशन, फाइल का लोकेशन का चेंज हो गया है, चेंज कर सकते हैं। अगर इसमें पासवर्ड वगैरह डाला है तो इसमें देखिए पासवर्ड का ऑप्शन होगा, पासवर्ड का ऑप्शन डाल लीजिए। सीट नेम चेंज हुआ तो सीट नेम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये कनेक्शन प्रॉपर्टीज होता है। तो इस चीज के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये बेनिफिट समझ में आ गया, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट समझ, आप लोगों के ऑफिस में एक ऐसा फाइल होगा जो काफी बड़ा होगा,
जिसको ओपन करने में यहाँ पे आपको कैलकुलेशन परसेंटेज दिखाता होगा और ओपन करने करने में भी 5 मिनट 4 मिनट 2 मिनट का टाइम लेता होगा और कुछ करते होंगे तो बाकी स्लो चलता होगा। ऐसे फाइल को बार बार ओपन करना उसपे पिवट लगाना मुश्किल होता है क्योंकि डेटा हमारा डंप डेटा होता है उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए होता है जनरली हम लोग पिवट टेबल के थ्रू में ही लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि फाइल को बिना खोले हम पिवट टेबल लगा सकते हैं। फाइल किसी और लोकेशन पे बंद रहेगी और हम पिवट किसी और लोकेशन में लगाएंगे और किसी को भेज सकते हैं, हर कोई उस पिवट को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो यहां इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल, यूज कनेक्शंस, ब्राउज फॉर मोर, और इसमें हम क्या करते हैं न्यू फोल्डर डेटा नहीं डेटा नहीं डीडी हाँ डीडी और यहां पे हम देते हैं आपका डेटा जो भी पिवट है एनोड और आपका पिवट लग गया। ये पिवट ऐसा नहीं कि ये हैंग नहीं करेगा, ये भी हैंग करेगा लेकिन फाइल के मुकाबले बहुत कम करेगा। ठीक है, डेटा भी आपका सिक्योर रहेगा। मान लो किसी ने पिवट लगाने के लिए खोला और उसने कुछ गलती कर दी, किसी ने डिलीट कर दिया, सीधी डिलीट मार दिया, वो सारी चीजें हो सकती है ना। अब ऐसे में क्या हुआ, ये डेटा का व्यू यहाँ पे आता है सर। तो किसी भी फाइल में किसी भी फाइल का पिवट लगा इंटरनल पिवट टेबल की मदद से, और इसका यूज एक बंदा करता था। पता सर क्या करता था, वो ऑफिस से डेटा को भेजना मना था तो वो क्या करता था अपने बेसिकली क्या होता था कि हमारी कंपनी थी सिटी फाइनेंशियल, तो सिटी फाइनेंशियल से बाहर लोन की डिटेल भेजता, मतलब कि जो होते थे ना सीसी वाला लोन टेक ओवर वाला कि आप कि सिटी फाइनेंशियल से लोन चल रहा है, आप सिटी फाइनेंशियल 12% आपको ले रहा है, आप हमारे बैंक से लोन करोगे हम 10% में कर देंगे, आपका वो लोन 10% में सज जाएगा, आपका इतना का बचत हो जाएगा। आते होंगे आपके पास कॉल सर, राइट सर, जैसे हमारा सिटी फाइनेंस 10% पे लोन दी हुई है किसी कस्टमर को, कस्टमर ने 50,000 का लोन था, 25,000 सधा दिया, 25,000 बचा हुआ, तो दूसरी कंपनी बोलेगा कि आपको मैं 25,000 रुपए का लोन मैं आपको कर देता हूँ, आपको 25,000 नहीं, आपको 25,000 का जो 12% लग रहा है वो 10% ही हम लेंगे, आपका 2% का फायदा हो जाएगा। तो 2% अगर कम मिल रहा है, जो बड़े बड़े अमाउंट होते हैं उस पर अगर 0.5% भी कम मिल गया तो बहुत बड़ी बात होती है क्या। तो ऐसे कस्टमर की डेटा वो बाहर भेजता था। अब आईटी टीम फाइल खोलती थी तो उसमें कुछ ऐसे ही इनक्रिप्टेड मैसेज, ऐसे कुछ मैसेज होता था कि हेलो प्लीज फलाना 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 फला करके भेज देता था, कुछ ऐसे अननेसेसरी जोक वगैरह बना के भेज देता था, और कोई नहीं करता था। वो क्या करता था कि सीधे पिवट टेबल लगाता था और कुछ नहीं करता था, इसको पिवट टेबल को वो हाइड कर देता। ठीक है, अब भेज देता था तो फाइल की साइज भी कम होती थी और ये हाइड हो जाता था। तो आप बोलोगे दिस थर्ड पर्सन इसका डेटा कैसे लेता था, वो डेटा लेता था इस तरह से पिवट टेबल से। तो बोले सर पिवट टेबल से क्या डेटा लेना है, पिवट टेबल समरी है। तो ये चीज मैंने पकड़ा जब कंपनी को, जब बहुत सारे कस्टमर के कंप्लेन आने लगी कि मेरे पास मेरा नंबर आपने बाहर क्यों लिख किया, मेरे लोन की डिटेल्स तीसरे को कैसे पता चल गए, तो कंपनी ने बहुत, उनकी जो कंपनी जो फॉरेन कंट्रोल वाले थे बहुत मथापच्ची की, उनको समझ में नहीं आया। तो मुझे बोला कि सुजीत एक्सेल के बारे में जानता है, एक्सेल फाइल जा रहा है, एक्सेल फाइल में कुछ है भेजा हुआ है उसने। तो फिर हमने देखा कि एक साइज कुछ सेल्स हाई थे, हमने देखा कि इसकी सीट जो है 7वें नंबर से स्टार्ट हो रही थी, हमने सीट 7वें नंबर से क्यों स्टार्ट हो रही है, मतलब कि उसने क्या किया होता था कि अमाउंट इस तरह से कुछ ऐसा लिया और भेज दिया, तो इसमें एक दो सीट हाइड हो जाते थे, एक दो सेल बहुत ही नीचे कहीं जाते। तो मैंने पूरे सीट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर अनहाइड कर दिया, अनहाइड करते मुझे ये दिख गया, तो हम लोग ये नहीं दिख रहा है डेटा भेजा गया, तब बोला कि इस डेटा से क्या होने वाला है, और पिवट टेबल को भी हाइड कर रखा था उसने, तो इससे क्या होने वाला है, तो एक अमाउंट एक नंबर है, इस नंबर से क्या होने वाला है। तो हमने बोला कि इस नंबर से होने वाला है क्योंकि ये पिवट टेबल का समरी है, आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, ये आपका पूरा डेटा आ जाएगा।
अब मुझे इससे कैसे पता चला, क्योंकि मैं इसको बराबर भेजता था। क्यों? कि पहले मेल की साइज लिमिट होती थी, याद है? पहले आप 2 MB या 1 MB ज्यादा मेल नहीं भेज पाते थे, अब तो आप 25 MB का भी कैपेसिटी है, अभी भी ज्यादा भरा नहीं है। देखिए, 1 MB 2 MB मेरे पास फाइल बड़े 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 होते थे, उसको भेजना मुश्किल हो जाता था। हम इस तरह से करते थे क्योंकि इसके बाद इस फाइल की साइज थोड़ा कम जाती थी। जैसे मान लीजिए इस फाइल को मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप में, इस फाइल की साइज और मेरी ओरिजिनल फाइल की साइज में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। इस फाइल को क्लोज करता हूं, तो यहां पे आप देखेंगे इस फाइल की साइज जो है 226 KB की फाइल है, दिख रहा है सर? और इसकी ओरिजिनल फाइल को देखें तो ओरिजिनल फाइल जहां से लिंक है, जिसमें डेटा स्टोर है डेटा फॉर्मेट में, उस फाइल की साइज आप देखेंगे 78 KB। समझे? क्योंकि 16 KB की जनरली फाइल होती ही है, 10 KB का साइज हुआ ना सर, 50 KB को 10 KB में समराइज कर दिया, 10 गुना छोटा कर दिया। इसलिए इस ऐसे फीचर को यूज करता था मैं, और जिसको मैं भेजता था उसको बोल देता था कि भाई डबल क्लिक कर सारा फाइल का डेटा आ जाएगा, डबल क्लिक करता था डेटा आ जाता था। पिवट अपना डेटा अपने बैकएंड में स्टोर कर लेता, और इसीलिए पावर बी आई पिवट के प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है कि पावर बी आई भी अपना डेटा अपने बैकएंड में एज ए प्रीव्यू सेव कर लेता है। ठीक है, क्या आप सिर्फ एक्सेल टू एक्सेल ही पिवट लगा सकते हैं? जी नहीं, आप एक्सेल टू डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी पिवट लगा सकते हैं, जैसे कि पिवट टेबल, एक्सटर्नल डेटा सोर्स। आपका अगर एमएस एक्सेस डेटाबेस है तो आप अपनी एमएस एक्सेस डेटाबेस को भी सिलेक्ट कर लीजिए, आपका पिवट टेबल एक्सेस से भी लग जाएगा। ठीक है, आपका डेटा रहेगा एक्सेस में और यहां आपका पिवट टेबल डेटा सेव होकर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरह से आप अगर डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मान लीजिए आपका SQL वगैरह है, तो आप यहाँ न्यू सोर्स में जा सकते हैं। एक तो है कि आप अपने पाथ, जो भी आपकी फाइल किसी भी तरह की फाइल है, अगर पिवट सपोर्ट करता है तो जैसे उसका ये पाथ यहाँ पे लिख दीजिए, चाहे फॉक्सरो की है या किसी और की फाइल है, तो ऑटोमेटिकली उसको लिंक पिवट में लगा देता है। लेकिन आपके पास अगर डेटाबेस तरह से लिंक करना है तो पिवट टेबल के न्यू सोर्स में जाइए, यहाँ पे आपके डेटाबेस SQL सर्वर, Synapses, ODBC, माइक्रोसॉफ्ट डेटा एक्सेस, OLB, DB वगैरह, Oracle वगैरह आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग में, माइक्रोसॉफ्ट पावर क्यूरी में मैं इसके बारे में इसमें ज्यादा आपको समझाऊंगा। तो अभी मैंने 2007 तक का पिवट को खत्म कर लिया। अब जो अगला ऑप्शन आएंगे वो इससे आगे का चैप्टर होगा। ठीक है,